तो दोस्तों दो दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन जुड़ा हुआ था हिंद महासागर को लेकर हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि देखिए हिंद महासागर के अंदर इस समय स्थितियां काफी ज्यादा सामान्य नजर आ रही है अगर चाइना के कुछ स्पाई को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी सारी तरह की चीजें भारतीय नौसेना द्वारा अपने कंट्रोल में रखी गई है और ये परिस्थितियाँ इसी तरह से कंट्रोल में रहे इसको इसके लिए भारतीय नौसेना द्वारा अपनी शक्ति का उच्चतम इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है एक साथ पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला भारतीय नौसेना द्वारा 11 11 सबमरीन से एक साथ डिप्लॉय कर दी गई इसके अलावा 35 की संख्या में वॉरशिप भी डिप्लॉय कि जानकारी मिलते ही उनके आसपास भारत द्वारा अपने स्पाई वेसल को जिसका नाम आरबी समुद्र रत्नाकर है उसे भेज दिया गया ताकि ये भी काउंटर जासूसी कर सके और वो किस किस तरह की गतिविधियां कर रहे है, इसे प्रॉपर रिकॉर्ड कर सके इसके अलावा कुछ ही समय पहले हम लोगों ने लक्षद्वीप में नया नेवल बेस तैयार किया आई जिसको इनोग्रेट भी कर दिया गया है और ये काफी ज्यादा मदद करेगा भारतीय नौसेना को एक फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पर लेकिन दोस्तों इसी तरह का एक और नेवल बेस भारत के पास मौजूद है जो कि पिछले कई सालों से लगातार भारत की सुरक्षाओं के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है और इसको लेकर कुछ नई खबरें निकल कर आई है ये नेवल बेस कोई और नहीं बल्कि आई बाज है जो की अंडमान निकोबार में स्थित है जिस तरह से आई एन एस जटायू नाइन डिग्री चैनल लक्षद्वीप के आसपास है तो ठीक इसी तरह से आई एन एस बाज निकोबार में मौजूद है, है और मैं आपको बता कि इसका बहुत ही है। से भी ये हमारे लिए साबित हो सकता है कारण यह है कि ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर मौजूद है जहां से चाइना हिंद महासागर में एंटर करता है यह बिल्कुल वहीं पर मौजूद है तो ऐसी परिस्थिति में इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का का इस्तेमाल करते हुए चाइना के सारे शिप वगैरह हिंद महासागर में एंटर करते हैं और उसी स्थान पर आई बाज का होना यह भारत के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज दे सकता है अब दरअसल ट्रिब्यून की तरफ से खबर पब्लिश की गई है और इसमें इन लोगों ने बताया है कि भारत द्वारा इतनी सारी को एक साथ डिप्लॉय करने के पीछे का कारण क्या था तो इसमें स्पष्ट इस रूप से बताया गया है की भारत ने चाइना के समुद्री मार्ग को देखने के लिए अपने इस नेवल पोर्ट यानी ने आई एन बाज के ऊपर इन सबमरी को भेजा था दरअसल ये जो ग्यारह सबमरीन डिप्लॉय की गई थी

सी वन थ्री जे लैंड करवाकर देखा गया था इसके अलावा आई एन बाज से पी विमान को भी ऑपरेट किया जाता है तो कहने का मतलब सबमरीन हो हमारे पी विमान हो जो जो पेट्रोलिंग के साथ साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर को प्ले करते हैं उन सभी चीजों को यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है और ये सारी की सारी चीजें चाइना के लिए तकलीफ दायक हो सकती है ये भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है हालांकि इसके बावजूद हम लोग लगातार देख पा रहे हैं की चाइना के स्पाई वेसल्स हिंद महासागर में घुस रहे हैं हम लोगों ने काउंटर डिप्लॉयमेंट तो कर दिया है लेकिन इसके बावजूद कुछ और चीजें करने की आवश्यकता है इस वजह से बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार के इसी आइलैंड के ऊपर एक नोटाउ वार्निंग भी जारी की गई है और इसके तहत बताया जा रहा है कि काफी ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप का परीक्षण किया जा सकता है और ये नोटाउन वार्निंग जारी करवाई गई है उनतीस से लेकर तीस मार्च के बीच में टोटल 400 किलोमीटर के एरिया के लिए और ये बिल्कुल आप एक वार्निंग शॉट की तरह ले सकते हैं कि जो चाइना के स्पाई स्पाइवे लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग इस तरह के अभियान छेड़ सकते हैं इसके अलावा भी चार से लेकर नौ अप्रैल के बीच में बे ऑफ बंगाल के अंदर तीन किलोमीटर की नोटाउन वार्निंग जारी करवाई गई है और बताया जा रहा है कि इस समय किसी एयर लॉन्च मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है तो संभवतः अस्त्रा मार्क थ्री का परीक्षण हो सकता है या फिर रुद्रम सीरीज की किसी मिसाइल का परीक्षण हो सकता है इसके अलावा बेऑफ बंगाल में ही सोलह किलोमीटर की एक और नोटाउन वार्निंग जारी करवाई गई है जहाँ पर किसी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है और इसके लिए संभावनाएं जताई जा रही है की के का परीक्षण किया जा सकता है और ये किया जाएगा तीन से लेकर चार अप्रैल के बीच में मतलब मतलब थोक में ही हम लोग सारी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं चाइना अगर हिंद महासागर में अपनी सबमरीन को भेजना चाहता है तो हम लोग पी के इस्तेमाल से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसके अलावा आई एन पर खड़े होकर हमारी सबमरीन आपके सभी जहाजों का रास्ता रोक सकती है ये भी यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया है इसके अलावा आपके जो स्पाई स्पाइवेसर हिंद महासागर में आ रहे हैं उनको भी हम लोग एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये भी चाइना को बताने जा रहे हैं अब इन सब चीजों के बाद में चाइना खुद निर्धारित कर लेगा कि आगे भविष्य में भारत के साथ उलझना है या फिर नहीं